राम राम सारे भाई, है ना भाई। उम्मीद करा सारे ठीक होंगे। रात के 9 बज चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ घर पर, अभी काम से ही आया था। तो सभी भाई, है ना, लोहड़ी की शुभकामनाएं, लोहड़ी और मकर संक्रांति की पूरे देश को शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को। और आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं, जो वीडियो को मेन मोटिव बनाने का यही है भाई कि अभी ना जैसे कि हवा ज़्यादा चल रही है, स्लॉट्स वीज़ा हैं जो खुल चुके हैं, मतलब F1 वीज़ा और जो भी मतलब इनके टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा ओपन हो चुके हैं भाई इनके स्लॉट्स। अगर आपको USA जाने के लिए, आप USA जाना है मतलब आप इंटरेस्ट रखते हो, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप मेरे तो देखो, मैं मेन मोटिव है जो वीडियो बनाने का ही है कि भाई कोई भाई ये डोंकी वगैरह से बचे जो 30-40 लाख रुपये लगा के आते हैं, फंसते हैं, मतलब अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इनसे बचे। और कई भाइयों के कमेंट थे कि भाई मतलब स्टूडेंट वीज़ा क्या चल रहा है यूके का। देखो भाई, ये स्टूडेंट वीज़ा ऐसे लग रहा है जैसे पहले लग रहा है, तो कोई भी बदलाव नहीं आया है और लगता रहेगा, उसके बारे में आप चिंता ना करें। और टूरिस्ट वीज़ा भी लगे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कई भाइयों के ये कमेंट थे कि भाई साहब कितने कमा लें यूके में, मतलब जो अपने ये जो मतलब कम क्वालिफिकेशन के जाओ। देख मेरे भाई, यो कमाने वाले यूके में भी कमा रहे हैं और ना कमाने वाले अमेरिका में जाकर भी नहीं कमाते। वो अपनी अपनी सिचुएशन पर डिपेंड हो बंदा, कैसी क्या सिचुएशन वहाँ। बाकी काम करने वाले तो कमाए रहे, जैसे जैसे यार अपने आप जो मिलती है वो उसका एक्सपीरियंस होता है, फिर उसके बाद अपना सिस्टम बढ़िया हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, यूके आओ, कनाडा जहाँ भी आपका काम बने आओ, लेकिन थोड़ा हो सके जैसे अगर आपको मतलब USA जाना है, USA के लिए आपको बढ़िया यूनिवर्सिटी चुननी पड़ेगी जब जाकर आपका वीज़ा आएगा। और वो IELTS PT पे ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी बढ़िया देखता है, मतलब जिस यूनिवर्सिटी का रैंक है जहाँ तक ये बात हो, और आपकी प्रोफाइल देखता है। और ये मेन पॉइंट थे इस वीडियो के भाई। और आजकल कुछ रिसेंटली जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि भाई मतलब केस आ रहे हैं, मतलब ये जो भी अब्यूज़ मैसेज वगैरह जो भी मैंने पहली वीडियो बनाई थी, वो एक्चुअली पता नहीं क्या है, एक स्कैम चल रहा है अभी ना। अभी मैंने देखी थी मतलब एक कोई 43 ईयर्स के आसपास थे जो कि पाकिस्तानी थे, और उनको भी अरेस्ट किया गया, उनको भी कोई मैसेज अब्यूज़ जो भी, पता नहीं वो कैसे स्कैम है, मतलब कैसे फंस रहे हैं, आई डोंट नो। बट मैंने कई वीडियो देखी हैं, और ये जो अब मैंने विकास सैनी की वीडियो डाली थी, ये भाई कोई कुछ भाई कह रहे थे कि भाई मतलब तू झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, तो मैंने एज अ प्रूफ ऑफ वीडियो अपनी पोस्ट पर डाल ली थी। बाकी मेरे वीडियो डालने का कोई मोटिव नहीं था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। और जो भाई नए यूके में आ रहे हैं, वो उनसे एक ही एडवाइस है मेरी, क्योंकि मेरे को मिलते रहते स्टूडेंट यार नए होते हैं, थोड़ा सा घबराए होते हैं, उनको पता नहीं होता यार क्या करना है, क्योंकि एक्चुअली जो कल्चर है ना, डिफरेंट कल्चर है बिल्कुल। और जब डिफरेंट कल्चर है तो फिर परेशानी तो आपको झेलनी पड़ेगी, सामना तो उसका करना पड़ेगा। बट वो कहीं भाई मेरे को मिलते हैं, अरे जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा है, ये वो नहीं हो रहा है। एक्चुअली थोड़ा भाई धैर्य रखें, सब काम हो गए, आपको जॉब में मिलेगी, आप अपनी यूनिवर्सिटी बढ़िए तरह जाए, ज़्यादा ये ना सोचे कि आपके सर हम करोड़पति बन जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। आई होप यू आर इन्जॉइंग योर लाइफ। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और गुरमीत जी पेज को फॉलो करें, गुरमीत नैन हरियाणवी नी ओके को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय हरियाणा, भारत माता की जय।